लीजिए छात्रों, त्रैमासिक आकलन सत्र आपका 2024 का कक्षा 8वीं सीजी बोर्ड का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर विद आपका देखिए सॉल्यूशन। पूरा क्वेश्चन पेपर आपका जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है और माध्यम हिंदी होने वाला है। पूर्णांक आपके 80 अंकों वाला पेपर पूरा पीडीएफ मेरे पास आ चुका है और साथ में देखिए इसका हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं, तो लास्ट तक बने रहना। लिखित आंसर आपको मिलेगा एक एक क्वेश्चन, बिल्कुल अगर आपने देख लिया तो आप यहाँ पे पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। देखिए परीक्षार्थी का आप नाम भर लेना, शाला का नाम भर लेना, कुछ आपके निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और दिए गए प्रश्नों के आपके जो उत्तर है इसी प्रश्न पत्र में आपको लिखना है। देखिए सबसे पहले आपका वस्तुनिष्ठ आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है, पृथ्वी, बुध, शुक्र या फिर तारामंडल। तो देखिए ये तो आपका ये ग्रह है ना, पृथ्वी, बुध, शुक्र, लेकिन तारामंडल आपका फिर ताराओं का समूह होता है, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, प्लास्टिक अभिक्रियाशील है, प्लास्टिक हल्का और मजबूत होता है, प्लास्टिक विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, अति शीघ्र अपघटित हो जाता है। तो देखिए आपको सिंपल सा आपको जो आंसर है ना यहाँ पर आपको क्या करना है, अति शीघ्र अपघटित हो जाता है, तो आपको ये आंसर लिखना है। इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो आपको भोजन का सड़ना, लोहे पर जंग लगना, घड़ी का टूटना, दही का जमना। देखिए भौतिक मतलब अगर आपको टूट जाए तो बन भी जाए, तो देखिए भोजन सड़ जाएगा तो क्या आपका शुद्ध भोजन बनेगा, नहीं बनेगा। लोहे में जंग लग जाएगा तो अच्छा नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर घड़े का टूट गया उसे फिर क्या है, मिट्टी में सानकर हम उसे फिर से घड़ा बना सकते हैं। इसलिए आपका देखिए यहाँ पे क्यों कच्चा होता है, इस प्रकार से आपका ये भौतिक परिवर्तन है। देखिए नाइट्रोजन का उपयोग करते हुए भंडारित भोज पदार्थों में किया जाता है क्योंकि यह भोजन को ऑक्सीजन प्रदान करती है, यह भोजन को कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करती है, यह भोजन को प्रोटीन प्रदान करता है, फिर यह भोजन को ताज़ा बनाए रखता है। तो आंसर देखिए दो नंबर होगा, भोजन को ताज़ा बनाए रखता है। ठीक है, नाइट्रोजन का उपयोग आपका इसमें आता है। और क्वेश्चन देखिए पांचवा, कार्बन डाइऑक्साइड गीले नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो आपको बताना है। देखिए यहाँ पे दो नंबर क्वेश्चन, किसके कारण, क्षारीय ऑक्साइड कारण, अम्लीय ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड, फिर अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड दोनों। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप नीले लिटमस पेपर की बात करेंगे तो हमेशा ऑक्साइड आपका अम्लीय होता है। ठीक है, आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आता है, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या हो जाता है, क्या अवलंब से दूर हो जाएगी या अवलंब की ओर झुक जाएगी, सीधा निकल जाएगी या फिर देखिए उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। तो देखिए अगर आप जो है ना, विरल मतलब क्या होता है, आपका बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, विरल यानी आपका खाली स्थान है, जैसे आपका होता है स्थान टाइप का, और सघन मतलब बहुत घना है ना, तो गहरा। तो यहाँ पे विरल का, विरल से जब जो नॉर्मल आपका देखिए घना से लेकर आपको गहरा खाना में जाएगा तो क्या होगा, अवलंब से आपका झुक जाता है। तो आपको इस प्रकार आंसर करना है, ये नंबर लिखना है। सातवा, दी गई जानकारी के आधार पर ग्रहों की पहचान कर उनका नाम लिखिए, अति लघुत्तम क्वेश्चन है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, देखिए तो आपको बृहस्पति करना है। ग्रह जिस पर जीवन है, तो आप जानते हैं पृथ्वी पर जीवन है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, आपका शुक्र हो जाएगा। लाल ग्रह कौन सा होगा, तो आपका अभी मंगल ग्रह होगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आठवा, पहाड़ों पर वायुमंडल दाब बहुत कम होने पर मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब वायुमंडलीय दबाव बहुत कम हो जाता है तो मानव शरीर पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं, रक्त वाहिनियों का दबाव बढ़ जाता है और वे फूल जाती हैं और कभी कभी फट भी जाती हैं, सांस लेने के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और शरीर की कोशिकाओं फट जाती हैं और वहाँ पे नाक के खून खून बहने लगता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नौ आता है आपका, यहाँ पे आपका देखिए चित्र दिया गया है, इसमें चित्र का और खामे ध्यानपूर्वक देखिए अवलोकन कर बताइए कि कौन सा आपका दहन का आवश्यकता है। तो देखिए आप सिंपल सा आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें जो है दहन की आवश्यकता, यहाँ पे आपका पूछ रहा है ना कि दहन क्यों आवश्यकता है, तो आप देखिए इसमें देखेंगे ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि अब ज्वाला को वायु नहीं मिल रही है। देखिए ज्वाला बुझ जा रही है ना यहाँ पे, तो उसमें आप जब वायु नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे बुझ जाएगा। तो आपको यहाँ पे आंसर आपका जो है देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देना है कि दहन के लिए वायु की आवश्यकता होती है, आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए दसवां, कारखाने के आसपास बड़े शहरों और गाँव में दूरस्थ स्थिर शहर के वातावरण में क्या अंतर होता है। तो देखिए ग्रामीण जीवन शहरों की अपेक्षा काफ़ी शांतिपूर्ण होती है, यहाँ लोग एक व्यक्त जीवन नहीं होते हैं, वे सुबह जल्दी उठ जाते हैं और रात में समय पर सो जाते हैं। यहाँ शहरों की अपेक्षा देखिए क्या होता है, देखिए भाई सर आपको गर्मी भी नहीं होता है और वातावरण आपको यहाँ पे स्वच्छ रहता है गाँव में। ठीक है, और क्वेश्चन 11वां देखिए, पटाखे तथा ईंधन को सार्वजनिक वाहनों पर लेकर क्यों जाना प्रतिबंधित है। तो देखिए पटाखे तथा ईंधन सार्वजनिक वाहनों में ले जाना इसलिए प्रतिबंध है क्योंकि ये दहनशील है ना, ज्वलनशील होते हैं और सार्वजनिक स्थानों पर थोड़ी सी असावधानी
से बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जिससे जनधन की आपका हानि भी हो सकती है। तो आपको ये उत्तर लिखना है। लघुत्तर क्वेश्चन देखिए, बार-बार क्या आपके अनुसार बहुतायत में प्लास्टिक का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? तो देखिए आंसर की बात करें तो बहुतायत में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह और नहीं होते और देखिए बहुत जल्दी आपका देखिए उपकारित नहीं करते और मिट्टी में सदा बंजर बनाते हैं, यानी देखिए मिट्टी में बहुत जल्दी आपके सड़ते नहीं हैं, ठीक है, नष्ट नहीं होते, इसलिए आपको यहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक के स्थान पर ऐसे कौन सी वस्तु को इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषित ना हो? तो देखिए खिलौने, लकड़ी, प्लास्टिक, कागज, कपड़ा आदि खिलौने बनाए जा सकते हैं। प्लास्टिक के स्थान पर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पर लकड़ी, कागज और कपड़े खिलौने बनाए अधिक सुरक्षित रख सकते हैं, टिकाऊ रह सकते हैं। पैकिंग सामग्री कागज, कपड़ा, लकड़ी, बांस आदि की पैकिंग सामग्री बनाई जाती है। 13वां देखिए, किसी स्वस्थ व्यक्ति को सर्दी जुकाम पीड़ित व्यक्ति का रुमाल का उपयोग क्यों नहीं करना लेना चाहिए? तो देखिए स्वस्थ आपका जो व्यक्ति होता है सर्दी जुकाम से जो पीड़ित होता है, रुमाल का उपयोग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति जब रुमाल को अपनी नाक साफ करता है तो उसके उसमें रोगाणु आ जाते हैं, और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इस रुमाल का उपयोग करेगा तो वहाँ पर पहुँच जाएगा। और इसी प्रकार देखिए 12वां नंबर, फ्रिज में रखे फल, दूध, सब्जियाँ, अंडे, मांस इत्यादि खराब नहीं होते क्यों? देखिए फ्रिज में फल, दूध, सब्जियाँ, अंडे, मांस इत्यादि काफ़ी समय से खराब नहीं होते, क्योंकि फ्रिज में तापमान काफ़ी कम रहता है और सूक्ष्मजीव निष्क्रिय रहते हैं, ठीक है, जहाँ ठंडा होता है वहाँ पे क्या है सूक्ष्मजीव निष्क्रिय रहते हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है। इसका देख क्वेश्चन देखिए 14वां नंबर, मानव नेता को नामांकित चित्र बनाना था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यह आपको नामांकित चित्र बनाना है। देखिए आपको इसमें पचमाभि पेशिया लिखा है, दृष्टिपटल लिखा है और दृष्टितंत्रिका लिखा है, काशाब्द्रव लिखा है, स्वच्छ आपका मंडल, परतारिका, पुतली और नेत्रोद और क्रिस्टली, इस प्रकार आपको चित्र बनाना पड़ेगा। और इसके साथ देखिए दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आता है 15वां, लोहे की कील, पाइप आदि वस्तुओं को जंग लग जाती है क्यों? लोहे की वस्तु को जंग लगाने से बचाने से क्या कर सकते हैं? 10वां नंबर क्वेश्चन है, लिख दीजिए, आयरन के संचारण के लिए बनी वस्तुएं धीरे धीरे जंग लगने के कारण खराब हो जाती हैं, और इन्हें संचारण को रोकने के लिए तैलीकरण, पेंट करना, ग्रीसकरण या सब लेपन, ठीक है, आप इनको करके जो है उनको जंग लगने से बचाया जा सकता है। 12वां नंबर देखिए, निम्नलिखित पदार्थों के, ये देखिए यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि निम्नलिखित आपका जो पदार्थ हैं इनमें चमक, आकार, वर्धनता, भंगुरता, उष्मा चालकता इत्यादि गुण के आधार पर आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए क्या आपका देखिए यहाँ पे लोहा में क्या होता है, चमक होता है, तो चमक होता है, आघात वर्धनता भी होता है, आपको राइट टिक लगाना है, भंगुरता नहीं होता है, यानी टूटा, भंगुरता मतलब क्या होता है देखिए यहाँ पे टुकड़ों में बढ़ जाता है बुरादा में, तो ऐसा तो होता नहीं है। उष्मा संचालन होता है, बिल्कुल भाई उष्मा इसमें गर्म होता है लोहा, और विद्युत चालकता भी, विद्युत भी उसमें लोहा में बहुत जल्दी क्या है ट्रांसफर हो जाता है। तांबा में भी देखिए सभी आपका सेम रहेगा, ठीक है, कोयला में नहीं रहेगा, कोयला में देखिए क्यों नहीं रहेगा, ना तो चमक होता है, काला होता है, आघात वर्धनता भी नहीं होता है, यानी आघात वर्धनता मतलब उसे पीट कर चादर में बदली जा सके ये भी नहीं होता, इसमें भंगुरता भी नहीं होता है, और यहाँ पे उष्मा चालकता देखिए जो आपको यहाँ पे ये सब आपको लगा देना है, ठीक है। ग्रेफाइट देखिए ये कोई चीज़ नहीं होते हैं, कोयला ग्रेफाइट सेम है। गंधक में देखिए आपको यहाँ पे जो है इस प्रकार से आपको आंसर पूरा आपको टिक लगाना है। इसके बाद देखिए आपको इसके अथवा क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, इसका धातु अधातु बताना है, ठीक है। लोहा के देखिए आपके क्या धातु है, तो आप बिल्कुल धातु है, और लोहा देखिए क्या बनाने के, फावड़ा आपको कहती है, कुछ भी दरवाजा बनाने काम आता है। सोना और चांदी क्या होता है, आभूषण बनाने में, ये आपका धातु है। तांबा भी आपका धातु है, देखिए ये इसका उपयोग क्या होता है, तो तांबा और ये देखिए बड़े बड़े आपके बर्तन बनाने काम आते हैं। लकड़ी का टुकड़ा देखिए क्या होता है, आपका ये बैलगाड़ी में प्रयोग होता है, ठीक है, अधातु कहला जाएगा। एल्युमिनियम आपका धातु हो जाएगा, ठीक है। ग्रेफाइट आपका देखिए अधातु है, कोयला आपका धातु है, मैग्नीशियम आपका धातु है, ठीक है। तो इनका आपको आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है इस प्रकार से, ठीक है। गंधक आपका धातु है, जिंक आपका धातु हो जाएगा, ठीक है। और पादप कोशिका देखिए नामांकित चित्र बनाना है 10वां नंबर क्वेश्चन, तो देखिए आपको यहाँ पे चित्र भी बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे कोशिका झिल्ली लिखा है, यहाँ पे गालगी का है, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, हरित लवक लिखा है, यहाँ पे रिक्तिका लिखा है, कोशिका भित्ति लिखा है, यहाँ पे केंद्रक लिखा है, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पे राइबोसोम और आपका यहाँ पे माइटोकांड्रिया, ठीक है। ये आपको 10वां नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद 2वां नंबर है, 5वां नंबर उसमें मिल गए, 5 इसमें मिल जाएंगे। जैव दैनिक जीवन में होने वाली निम्न सब्जियों के उपस्थित लवक प्रकार को से मूली, हरी मिर्च, पका पपीता, टमाटर आदि बताना है। तो लवक के 3 प्रकार होते हैं, अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, या वर्णी लवक यानी क्रोमप्लास्ट, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। कार देखिए ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और खाद संचय का कार्य करते हैं, ठीक है, और इसमें स्टार्च, प्रोटीन और तेल जैसे आपके संचित रहते हैं। क्रोमोप्लास्ट देखिए फूलों और बीजों की विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है और भोजन संश्लेषण में आपका सहायक होता है। इसके साथ देखिए आपका यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन आपका यहाँ पे। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए 17वां क्या दिया है, सीमा ने जब ग्लूकोज मुंह में डाला तो जीभ में उसे ठंडा ठंडा लगा, ऐसा क्यों हुआ, कारण लिखिए। तो देखिए लिखा है सीमा मुंह में जब ग्लूकोज डाला तब जीभ में उसे ठंडा ठंडा लगा, ऐसा उष्मा के अवशोषण के कारण हुआ। इस क्रिया में उष्मा शोषी अभिक्रिया आपका होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये लिखना है
पहला आपको देखिए यहाँ पे इसका नाम क्या है, देखिए अपने आपको समीकरण लिखना है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड आपका है, ये सोडियम आपका क्लोराइड और ये आपका जल है, ठीक है। जिंक है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड आपका ये और आपका ये हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से देखिए पूरा आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है और आई होप आप जो है ना आप यहाँ पे आसानी से देखिए क्या है यहाँ पे टॉपर्स बनेंगे और पूरे 80 में से 80 नंबर लेके आ पाएंगे, ठीक है। तो आप इनका आंसर जो है इस प्रकार से आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन कथवा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन हमने दे दिया है। तो देखिए अन्य सब्जेक्ट का भी आपका आंसर फटाफट आपका लाया जा रहा है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे आपको देखिए पूरे आप यहाँ पे टॉपर्स बन सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।